अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो आपका अब पीएम किसान का पैसा बढ़ने वाला है, यानी कि पीएम किसान योजना के तहत जो आपके सालाना 6,000 रुपये आते थे उसको बढ़ाकर अभी 8,000 रुपये कर दिया गया है। इन 8,000 रुपये श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के भजन लाल शर्मा ने बताया है कि 6,000 की किस्त को 8,000 रुपये कर दिया जाएगा। अब आने वाली जो किस्त है वो आपका 8,000 रुपये आने वाली है, जो कि पहले सालाना 6,000 रुपये थी पीएम किसान वालों के, अब 8,000 रुपये कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से 8,000 को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, या अपने आप जो है आपके खाते में 8,000 आ जाएगी। अगर आपके 8,000 नहीं आ रहे, पिछले वाले 6,000 रुपये ही आ रहे, या अब आने वाली किस्त में आपको बताया जाएगा कि 8,000 किस प्रकार से आएंगे। अगर ऐसे तो 12 महीने के यहाँ पर जो है 2-2 हज़ार रुपये करके आते हैं, अब जो है कैसे 8,000 रुपये आने वाले हैं, प्रथम किस्त में कितने आएंगे, सेकंड किस्त में कितने आएंगे, तो इसके लिए आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ किस तरीके से इस योजना घोषणा की शुरुआत की गई है और किस तरह से आपके खाते में 8,000 रुपये आने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, गूगल में जब भी आप टाइप करेंगे राजस्थान पीएम किसान, तो आपके सामने एक न्यूज़ ओपन होगी जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, मुख्यमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रथम चरण में राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में 1,300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसमें एक नई घोषणा की शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने की है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपनी जो किस्त है वो चेक करनी है। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा पीएम किसान, जैसे आप अपने मोबाइल में भी गूगल में टाइप कर सकते हैं पीएम किसान। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नाउ योर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से या फिर आधार नंबर से। जैसे ही आप डालेंगे OTP आएगा, OTP डाल देना आप, उसके बाद कैप्चा कोड डाल देना, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आप स्टेटस चेक करके अपनी किस्त का चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा।